नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कुंडली के माध्यम से आपको बताए गए। कुंडली के माध्यम से बहुत ही ऐसे बिंदुओं पे चर्चा हुई है आपसे। आज कुछ ऐसे ही बिंदु पे चर्चा होगी जो जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में धन संपत्ति के साथ में मान सम्मान चाहता है। व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसके पास धन हो, संपत्ति हो और समाज में मान सम्मान की स्थिति उसकी बनी रहे, मान सम्मान हो। तो ऐसा कुंडली के माध्यम से आप कैसे देखेंगे इसको? आज इसीलिए एक जैमिनी मत के अनुसार आरूढ़ लग्न होती है, उसके बारे में बात करेंगे। आरूढ़ लग्न जो होती है कैसे बनाई जाती है, कुंडली से कैसे बना लेते हैं, अपनी कुंडली से लग्न कुंडली से आप कैसे बनाएंगे और उसको देखने का तरीका क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं आरूढ़ लग्न के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान और हर स्थिति में वो सोचता है कि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, और कुछ इसी प्रकार के व्यक्ति अलग नेचर के होते हैं जिनका मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में पैसा बना रहे, मान सम्मान हो या ना हो, और ये स्थिति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि अलग अलग नेचर के व्यक्ति होते हैं। अब आरूढ़ लग्न में इसी चीज़ को देखा जाता है, आरूढ़ लग्न के द्वारा देखा जाता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, क्योंकि समाज में बहुत से प्रकार होते हैं व्यक्ति के। जैसा कि कुछ स्थिति ऐसी देखी गई है कि व्यक्ति देखने में कुछ और नज़र आता है और उसका रूप जो होता है कुछ और नज़र आता है और होता असलियत में कुछ और है। जैसे कि देखा गया है कुछ व्यक्ति होते हैं जो गाड़ियों से चलते हैं, बहुत उनकी भोकाल की ज़िंदगी होती है और बहुत लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति में ये होंगे और काफ़ी पैसे वाले होंगे, लेकिन उनको अंदर से सब जब देखा जाता है, उनकी स्थिति के बारे में देखा जाता है, तो उनकी स्थिति अंदर से खोखली होती है और कर्ज से लदे हुए होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, बनावट की उनकी लाइफ होती है, ऊपर से दिखावा होता है केवल। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल साधारण तरीके से नज़र आते हैं, बहुत साधारण तरीके से समाज में नज़र आते हैं और उनकी बिल्कुल स्थिति इस प्रकार की होती है कि अगर कहीं पे वो चले जाएं तो व्यक्ति उनको नज़रअंदाज करता है और उनकी कोई उस प्रकार की इमेज नहीं होती कि ये इतने पैसे वाले होंगे, लेकिन स्थिति कुछ और नज़र आती है। अगर उनके अंदर से देखा जाता है, उनके पास जाके देखा जाता है, तो वो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति भी होती है समाज में। तो ये स्थितियाँ कब हो जाती हैं, ये कैसे इसको जानेंगे, तो ये आरूढ़ लग्न के द्वारा ये निकाला जाता है। जैमिनी मत में वैसे तो इसके दो मत हैं, पराशर ज्योतिष के मत से भी आरूढ़ लग्न निकाली जाती है और जैमिनी मत के द्वारा, आज जैमिनी मत के द्वारा आपको बताएंगे एक सरल विधि है आरूढ़ लग्न के बारे में, कैसे निकाला जाता है और इसका आरूढ़ लग्न निकलने के बाद कैसे स्थिति को पता किया जाता है कि इसकी समाज में क्या स्थिति होगी व्यक्ति की। तो इस प्रकार से, क्योंकि तो देखा गया है कुछ ऐसे कहानियाँ भी हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कोई बड़ी जगह पे, मान लीजिए किसी 5 स्टार होटल में जाते हुए उनको रोक दिया गया, बाहर जो है जो गार्ड खड़े होते हैं उन्होंने उसको रोक दिया, और 5 स्टार होटल आप जानते होंगे बड़ा हाई फाई मामला होता है, तो उनको रोक दिया अंदर जाने से कि आप फटे बिल्कुल हाल लग रहे हैं और यहाँ पे आप कैसे जाएंगे, और इस प्रकार से काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन स्थिति कुछ और निकलती है और वो अंदर जाके उनका वहाँ पे जाके वो उनका हिसाब कुछ और ही निकल जाता है। इस प्रकार से काफ़ी कहानियाँ आपने देखी होंगी। तो आज आइए जानते हैं आरूढ़ लग्न के बारे में। आरूढ़ लग्न में पद लग्न भी इसको कहते हैं। ये स्थितियाँ आरूढ़ लग्न आप देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाती हैं कि ये स्थितियाँ क्यों बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं आरूढ़ लग्न के बारे में निकालना। सबसे पहले कुंडली के द्वारा इसको देखेंगे
कि आरुद लगन कैसे निकाली जाती है। आरुद लगन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अपनी कुंडली होगी, आपकी जो भी कुंडली हो, लगन हो आपकी, उसको सामने रख लें और सबसे पहले देखेंगे कि लग्न का स्वामी कहाँ पे है। लग्न का स्वामी, अब मान लीजिए कि मीन लगन की कुंडली है आपकी, तो मीन लगन में गुरु जो हुए लग्न के स्वामी हुए, तो गुरु को देखेंगे कि गुरु की स्थिति क्या है, गुरु जो हैं बृहस्पति देव किस भाव में बैठे हुए हैं। तो अब आरुद लगन में आप देखेंगे कि गुरु की स्थिति क्या है, लगन के स्वामी की स्थिति जो होगी वहीं से आगे जाने पे जो भाव राशि आती है, मतलब आप ये समझ लीजिए जिस लगन में गुरु जिस राशि में स्थित हैं कि जिस भाव में स्थित हैं, वहाँ से उतने ही भाव आगे जाने पे जो राशि और भाव आता है उसी को आरुद लग्न कहते हैं। दोस्तों आरुद लग्न जो होती है, अब मान लीजिए कि ये कुंडली है, इसमें मीन लगन की कुंडली है और मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति जो हैं छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, आप देखिए कि मीन लगन से गिनिए तो छठे भाव में पांचवी रास आती है, पांचवी रास आई सिंह रास आती है। यहाँ से आप आगे जाएंगे, यहाँ से जहाँ पे बैठे हुए हैं, जितनी दूरी पे बैठे हुए हैं, जितनी रास पे बैठे हुए हैं, पांचवे छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो छठे भाव से आप छठे भाव में जाएंगे वो आगे। अब ये छठे भाव से आप आगे जाएंगे तो ये मकर राशि आती है और ग्यारहवां भाव आता है। तो ग्यारहवां भाव जो हो गया, मकर राशि जो हो गई आपकी, मकर राशि जो हुई यही आरुद लगन हो गई, इसी को आरुद लगन कहेंगे। एक दूसरी कुंडली लेते हैं, ये तुला लगन की कुंडली है, यह तुला लगन की कुंडली में दसम भाव में इसके स्वामी बैठे हुए हैं। देखिए ये दसम भाव में शुक्र जो हैं, तुला लगन के स्वामी शुक्र होते हैं और ये दसम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे कर्क राशि जो है आती है दसम भाव में, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं शुक्र। तो अब यहाँ से आप जब गिनेंगे दसम भाव से, दसम भाव आगे जाएंगे तो यहाँ से गिनेंगे तो मेष राशि पे ये जो सातवां सप्तम भाव है मेष राशि है, तो मेष इनकी जो हुई आरुद लगन हो गई। इस प्रकार से आरुद लगन का निर्माण होता है दोस्तों। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली से बहुत आसान तरीके से आरुद लगन बना सकते हैं। अब इसमें आरुद लगन आप बनाने के बाद में इसका विचार किया जाता है कि आरुद लगन के द्वारा स्थित आपकी जो होगी समाज में क्या स्थिति होगी उसका विचार किया जाता है। तो कुंडली के माध्यम से आइए जानते हैं, एक कुंडली लेंगे और उसके माध्यम से देखेंगे कि आपकी समाज में क्या छवि होगी। कुंडली के हिसाब से जानेंगे आरुद लगन के क्या परिणाम होते हैं। उससे पहले इसके कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। आरुद लगन जो होती है आपकी जो बनती है, जैसा कि आपको बताया है, अभी नियम इसके जो बताए हैं उस हिसाब से आरुद लगन तैयार हो जाती है। आरुद लगन बनने के बाद में, आरुद लगन में अगर केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह जातक की कुंडली में बनाने के बाद, आरुद लगन बनाने के बाद अगर केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होते हैं तो आप ये समझ लीजिए व्यक्ति जो होता है काफ़ी धनी, सफल व ताकतवर ऐसा व्यक्ति होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि केंद्र और त्रिकोण भाव, केंद्र त्रिकोण भाव आप जानते होंगे, केंद्र जो होते हैं केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10 भाव केंद्र के हैं, पांचवा और नौवा भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, ये बहुत शुभ भाव माने जाते हैं। इनमें यदि पाप ग्रह हों तो व्यक्ति काफ़ी बदनामी उठाता है। अब इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिनकी कुंडली में शुभ ग्रह होते हैं तो उनकी समाज में अच्छी छवि जो होती है, इसका धन से कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास कितना पैसा है, संपत्ति कितनी है, इस प्रकार से इसको नहीं देखा जाता है, लेकिन समाज में आपकी छवि कैसी है इसको आरुद लगन के द्वारा देखा जाता है। समाज में आपकी कितनी इज्जत है, आपको सामने वाले जो हैं किस हिसाब से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं या बदनामी आपको उठानी पड़ती है समाज में, तो आरुद लगन के द्वारा ये देखा जाता है। और यहाँ पे अगर पाप ग्रह होते हैं केंद्र और त्रिकोण में
तो व्यक्ति काफ़ी बदनामी उठाता है। आरुद लगन जब बन जाती है तो इसमें जो राशि आरुद लगन जब बनती है, जो राशि केंद्र में लगन में आती है, उसके हिसाब से भी व्यक्ति को फल मिलते हैं। इसमें जो भी राशि आती है आरुद लगन बनने के बाद में, उसके कारकत्व जो होते हैं, राशि के कारकत्व जो होते हैं, उसके हिसाब से भी व्यक्ति को फल मिलते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल कुंडली के माध्यम से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं बहुत, उनकी कुंडली लेंगे और आपको बताएंगे कि आरुद लगन पहले कैसे बनाई जाती है, उसके बाद इनका क्या जीवन रहा, इसके बारे में बात करेंगे। ये कुंडली जो है बहुत ही राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति में काफ़ी सफल व्यक्ति की कुंडली है ये। इसमें आप देख रहे होंगे ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में गुरु केंद्र सॉरी लगन में बैठे हुए हैं और लग्न के स्वामी जो हैं चौथे भाव में हैं। चंद्रमा कर्क लगन में चंद्रमा जो हैं चौथे भाव में, लग्न के स्वामी चौथे भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं। चौथे भाव को आप केंद्र से लग्न से गिनिए, 1 2 3 4 चौथे भाव में है, तो चौथे भाव से आप 4 घर आगे जाएंगे तो आरुद लगन आपकी तैयार हो जाएगी, आरुद लगन बन जाएगी आप। तो चौथे भाव से 4 घर आगे जाने पे सातवां भाव आता है, सातवां भाव में मकर राशि आती है। अब मकर राशि से आपकी आरुद लगन बन गई। अब इसको आप आरुद लगन को लगन ये जो कुंडली है इसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए और मकर लगन जहाँ पे है वहाँ से आरुद लगन को आप बना लें, अपने सामने आप बना सकते हैं अपनी लगन जो भी है उससे, आप जिस हिसाब से लगन के स्वामी बैठे उस हिसाब से बना लें। फिलहाल इसमें जो है मकर लगन से इनकी बन रही है। बनने के बाद आरुद लगन बनने के बाद जो जिस राशि में जो ग्रह बैठे हैं वहीं स्थान जो है आप उनको दे दें, उसी स्थान पे आप जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको उन्हीं स्थानों पर लिख लें इसमें। अब इसमें आप देखेंगे कि आरुद लगन बनने के बाद में केंद्र में गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह हैं और शुक्र जो बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, गुरु भी बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण में काफ़ी शुभ ग्रह इनके हैं। इनके जो केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होने से इनको अपने जीवन में रिच तो काफ़ी थे, ये काफ़ी पैसे वाले थे और उसके साथ में राजनीति में बहुत बड़ी इनको सफलता मिली, काफ़ी बड़े नेता हैं ये। और अब तो ये रहे नहीं, काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे ये। तो इस प्रकार से ये कुंडली एक राजनीतिक व्यक्ति की है, काफ़ी इनको सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अगर केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है, पैसा हो, काफ़ी पैसे होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी बदनामी उठाते हैं, समाज में कोई इज्जत नहीं होती है उनकी। इस प्रकार से देखा गया है समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो पैसे वाले होकर भी इज्जत नहीं अपने अपनी लाइफ में नहीं बना पाते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम पैसे होने के बाद भी सामाजिक जीवन उनका बड़ा ही बहुत अच्छा होता है, समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को आरुद लगन के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसके और नियम हैं उनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे और आरुद लगन के बारे में आगे बात करते रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाने पड़ेंगे, इसके नियम और भी हैं, ग्रहों को और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आरुद लगन को देखा जाता है, इसके नियम क्या क्या हैं, और भी नियम होते हैं। तो इस प्रकार से और वीडियो जो आएंगे आगे उसमें आपको बताएंगे आरुद लगन के बारे में। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।